वेलकम बैक टू सारी इलेक्ट्रिकल। आज मैं दोस्तों लेकर आया हूँ क्रॉम्पटन मोटर की रिवाइंडिंग करेंगे हम। ये दोस्तों क्रॉम्पटन मोटर की नकल है, दूसरी कंपनी की बनी है बट क्रॉम्पटन की ही आती हैं अधिकतर ऐसी मोटरें। सबसे पहले दोस्तों हमने इसका पेपर का साइज निकाल लिया, ये देख सकते हैं आप 4 इंच का पेपर है इसका। 4 इंच से आप एक दो सूत हल्का सा बड़ा रख लेंगे पेपर, ताकि पेपर में आपको परेशानी ना हो। और कुछ जिस तरीके से आप देख सकते हैं, मैं किस तरीके से आपको दिखा रहा हूँ पेपर मोड़ लेंगे। इसमें टोटल दोस्तों 36 पेपर डालेंगे, क्योंकि ये मोटर 36 स्लॉट की है। और इसे दोस्तों हम कॉपर से वाइंडिंग करेंगे। इसमें दोस्तों मैं आपके साथ डाटा, कोर, तार का वेट सब कुछ शेयर करूंगा। दोस्तों वीडियो को अंत तक देखिएगा। कई बार क्या होता है दोस्तों, मेरे को कमेंट आते हैं, आपने सर इसमें कॉइल साइज नहीं बताया, वेट नहीं बताया। आप दोस्तों जब तक पूरी वीडियो नहीं देखेंगे तो आपको प्रॉपर जानकारी नहीं मिल पाएगी। इसलिए आपसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, आप मेरी कोई भी वाइंडिंग की वीडियो प्रॉपर देखेंगे तो आपको पूर्ण जानकारी मिल जाएगी। चलिए बिना देरी के हम इसके अंदर पेपर डालने शुरू कर देते हैं। आपको दोस्तों इसका डाया देख के, यानी कि कोर का साइज देख के अंदाजा लग रहा होगा ये 36 स्लॉट की मोटर है। और दोस्तों इसके अंदर हमारे कॉपर से वाइंडिंग करेंगे। टोटल तार इसके अंदर हमारा दोस्तों 1200 ग्राम लगने वाला है। 800 ग्राम तार दोस्तों रनिंग का और 400 ग्राम स्टार्टिंग में। स्टेप बाय स्टेप मैं बताता हूँ दोस्तों इसका कोर का साइज़ मैं बताता हूँ आपको। 3 इंच 2 सूत है कोर का साइज़, और मैं आपको स्केल के माध्यम से भी इस चीज़ के बारे में पूरी जानकारी दे दूंगा। दोस्तों पेपर को जब भी आप डालेंगे, देखेंगे आप, हल्का सा प्रेस करना है पेपर हल्का सा आगे से, जो कि जो उसका यू है प्रॉपर आए। और ये देखेंगे जो मैंने आपको नाप बताया उसी नाप से मैंने पेपर काटे हैं। ये देख लेंगे पेपर ना ज़्यादा बड़े हैं और ना ज़्यादा छोटे हैं, क्योंकि दोस्तों पेपर जब तक हमारे प्रॉपर नहीं होंगे तो ठीक नहीं होगा। ये देख सकते हैं दोस्तों मैंने स्केल से आपको नाप के दिखा दिया। 3 इंची 2 सूत की कोर है हमारी, पेपर हमारे कंप्लीट होने वाले हैं। इसमें दोस्तों ए से लेकर जेड तक की जानकारी आपको मिल जाएगी इस वीडियो के माध्यम से, बट एक ही रिक्वायरमेंट है इस चीज़ की, आपको इस वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा तो आपको संपूर्ण जानकारी मिल जाएगी। पेपर दोस्तों कंप्लीट करने के बाद हम इसका फर्मा निकालेंगे, किस तरीके से हमारा फर्मा सेट किया जाता है वो भी आपको इस वीडियो के माध्यम से जानकारी मिल जाएगी। ये देखेंगे हमारे सारे पेपर कंप्लीट हो चुके हैं और पेपर की फिनिशिंग आप देख सकते हैं दोस्तों। दोस्तों जब भी हम किसी अदर मोटर की वीडियो बनाते हैं तो उसके अंदर स्पेस यानी कि खुल्लापन होता है तो वीडियो अच्छी तरह बन जाती है। मोनोब्लॉक के अंदर दोस्तों कभी अंधेरा कभी वो, इस चीज़ की परेशानी आपको अगर थोड़ी सी हो रही हो तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगा दोस्तों, क्योंकि ये वीडियो मैं फ़ोन से शूट कर रहा हूँ। ये देख सकते हैं आप दोस्तों पेपर हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, दोनों साइड से मैं दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये हमने दोस्तों तार का टुकड़ा ले लिया है इस तरीके से, कोई भी आप पतला तार का टुकड़ा ले लीजिए। और उसके बाद इसका हम नाप ले लिया हमने, और इसे फर्मे पर डाल के देख लेंगे हमारा फर्मा कहाँ तक आ रहा है। इसी तरीके दोस्तों फर्मा सेट किया जाता है, कोई भी तार का टुकड़ा ले लेंगे आप, स्लॉट में डाल दीजिए। ये देखेंगे 11.5 इंच पे हमारा फर्मा सेट हुआ है इसका, रनिंग का दोस्तों जो फर्मा सेट हुआ है हमारा 11.5 इंच का है। वो सब जानकारी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप डिस्क्रिप्शन में जाके चेक कर सकते हैं। इसमें जो दोस्तों हम कॉइल बनाएंगे उसमें 3 का सेट डलेगा, और देख सकते हैं आप इसके अंदर दोस्तों हम पहले सेट में डालेंगे 70 टन्ने, दूसरे में डालेंगे दोस्तों 80, तीसरे में भी 80। अब दोस्तों मैं तार के गेज की बात कर लूँ तो हम 23 और 24 डबल का इस्तेमाल किया है हमने, 23 और 24 डबल 3 का सेट बनेगा दोस्तों। ये देख लीजिए दोस्तों हमारा 3 का सेट कंप्लीट हो चुका है, डबल वायर का यूज़ किया है हमने कॉपर का, 23 और 24। उसके बाद दोस्तों कॉइल को पहले बांध लेंगे जिससे कि कॉइल आपस में इलझे नहीं। ये देख लीजिए आप, कॉइल को बांधने के बाद दोस्तों हम इसे खोल लेते हैं, देख लीजिए लूज करने के बाद हम इसे खोल लेंगे आराम से निकल जाता है हल्का सा फर्मा लूज करने के बाद। ये कॉइल हमारा कंप्लीट हो चुका है। इस तरीके के दोस्तों 4 कॉइल बनेंगे हमारे, क्योंकि 36 स्लॉट की है। पहले हम दोस्तों इस कॉइल को डाल के देख लेते हैं। ये देख लेंगे दोस्तों हमने इसे डालना शुरू कर दिया है, और मैं कई वीडियो में बता चुका हूँ डालने का तरीका। आप कॉइल को दोस्तों आहिस्ता आहिस्ता चुटकी की सहायता से आगे पीछे करके बहुत ही आसानी से कॉइल डल जाता है, किसी प्रकार की परेशानी नहीं आती है। ये देख सकते हैं दोस्तों आपके सामने है, ये देख लीजिए दोस्तों कितनी आसानी से कॉइल डल चुका है। उसके बाद दोस्तों पीवीसी के टुकड़े से हमने नाप ले लिया था, क्योंकि इसमें हम शीट डालेंगे, क्योंकि शीट दोस्तों पेपर अच्छी तरह दब जाते हैं। पीवीसी का इस्तेमाल वहाँ किया जाता है जहाँ पेपर टाइट हो जाता है, तो पीवीसी थोड़ी अनब्रेकेबल होती है, आराम से चली जाती है पीवीसी। ये देख लेंगे हमने इसमें शीट डाल दी है ग्रीन कलर वाली, ये भी दोस्तों शीट वाइंडिंग के काम आती है। और इसे भी आप ये देखिए, आप जैसे कि कॉइल दोस्तों छोटा पड़ रहा है तो आप कॉइल को तार को थोड़ा थोड़ा तोड़ लीजिए, यानी कि कम कम टन्ने ले लीजिए, और इसे
आराम से डाल देंगे। या दोस्तों आप, मैं तो स्केल भी इस्तेमाल करता हूँ, आप लकड़ी की कोई फन्नी यानी कि लकड़ी की आप पेंसिल की तरह जैसे निब पेन होते थे, इस तरीके से लकड़ी को घिस लीजिए, निब बना लीजिए उसे, और इस तरीके से डाल सकते हैं। मेरे को आदत है। बस दोस्तों स्केल से बस थोड़ी ये सावधानी होती है कि हमारा वायर ना छिले। ये देख लेंगे दोस्तों, एक क्वाइल लग चुका है और हमने इसमें बीच में 3 स्लॉट छोड़ी है, जो इसकी पीछे मैं पीछे भी बता दूंगा आपको। ये देख लेंगे दोस्तों, दोस्तों जब भी छोटा क्वाइल होता है, पहला क्वाइल डलता है, पहला सेट यानी कि, उसमें हल्की से हमें परेशानी होती है डालने में। बाकी जैसे क्वाइल बड़ा होता जाएगा तो आप उसे आसानी से डाल सकते हैं। और ये देख सकते हैं आप डबल तार है इसमें 23 और 24 कॉपर। ये देख लीजिए दोस्तों, पहले सेट में दोस्तों हमने 70 टन डाली, दूसरे में 80 और तीसरे में भी 80 टन है। क्वाइल डालने में दोस्तों बिल्कुल भी परेशानी नहीं होनी चाहिए आपको, जब अगर आप इसे सही तरीके से क्वाइल को पकड़ेंगे और क्वाइल को चुटकियों की मदद से हल्का हल्का मूवमेंट देंगे उसे, तो क्वाइल हमारा स्लॉट के अंदर चला जाएगा। यानी कि जब आप जो हमारी स्लॉट का मुंह होता है उसके ऊपर क्वाइल को रखेंगे, हल्का हल्का चुटकियों की सहायता से उसे मूव करेंगे आगे पीछे की ओर, तो वो आसानी से क्वाइल हमारा डल जाता है, किसी प्रकार की परेशानी नहीं होती है। दोस्तों क्वाइल डालना, वाइंडिंग करना कोई कठिन काम नहीं होता है, बस आपके समझने का फर्क होता है। अगर आप समझेंगे किसी भी चीज़ को अच्छी तरीके से, या किसी भी वीडियो को जिसमें आपको इंटरेस्ट आ रहा है उसको आप प्रॉपर देखेंगे, पूरा टाइम देंगे, तो वो चीज़ आपको अवश्य समझ में आएगी। और आपको कोई भी परेशानी होती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, मैं उसका भी आपको जवाब दे दूंगा। और दोस्तों कई बार मुझे ऐसे कमेंट आते हैं, कई बार बहुत सारे भाई मेरे कमेंट करते हैं, तो उनका मुझे जवाब देने में कठिनाई इसलिए होती है क्योंकि वो प्रॉपर लैंग्वेज का मतलब जो भी चीज़ है वो सही तरीके से मुझे एक्सप्लेन नहीं कर पाते, तो वो थोड़ा मुझे दोस्तों सिंपल भाषा में समझा दीजिए तो मैं आपको उसका जवाब जरूर दूंगा। क्योंकि दोस्तों जो भी वीडियो है, जो भी मैं इसमें कुछ नया डालता, जिस तरीके से मैं बात करता हूँ, जो मेरा डेली का रूटीन है, मैं उसी तरीके से आपको गाइड करने की कोशिश करता हूँ जिससे कि आपको किसी प्रकार की परेशानी ना आए वीडियो के अंदर। ये देख सकते हैं दोस्तों, ये भी क्वाइल हमारा डल चुका है। दोस्तों अगर हम इसकी पिच काउंट करेंगे, दोस्तों बहुत से लोगों को पिच काउंट करनी आती, दोस्तों जो हमने पिच इसकी 3 स्लॉट छोड़ी है तो उसके बाद हमारी पिच कितने नंबर पर डली, 4 और 5, यानी कि इसकी पिच हो जाएगी, दोस्तों 5, 7 और 9, क्योंकि 3 हमने छोड़ दी और बाकी जब क्वाइल दोस्तों दोनों साइड दोनों स्लॉट में डलता था वो हमारी ऐसे काउंट होती है। ये देख सकते हैं दोस्तों क्वाइल हमारा 2 राउंड डल चुके हैं। उसके बाद ये दोस्तों वाइंडिंग हथौड़ी होती है, इससे हम हल्का सा उसे प्रेस करके हैमर की मदद से, ये प्लास्टिक की हथौड़ी होती है, इससे क्वाइल हमारी छिलती नहीं है क्योंकि दोस्तों तार हार्ड है तो अंगूठे से नहीं होगा। ये कई वीडियो में आप देखते होंगे मैं अंगूठे से ही सेट कर देता हूँ क्वाइल को, लेकिन बड़ी मोटरों में हमेशा वाइंडिंग हथौड़ी की हमें जरूरत पड़ती है। अब ये देखिए दोस्तों, ये बड़ा क्वाइल है तो ये और भी आसानी से डल जाएगा। दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया था मोनोब्लॉक की वीडियो में, इसमें दोस्तों हल्का सा अंधेरा आता है क्योंकि अंदर दोस्तों प्रॉपर शूट नहीं कर पाता मैं, तो किसी प्रकार की परेशानी के लिए दोस्तों माफी चाहूंगा। बट मेरी पूरी कोशिश ये रहेगी कि आपको इसमें पूरी जानकारी और सही तरीके से आपको दिखाई दे। ये देख लेंगे दोस्तों क्वाइल थोड़ा थोड़ा ऐसा, जैसे ही मेरा क्वाइल हल्का सा अटक गया था तो उसे हम इस तरीके से सेट कर लेंगे। जब भी दोस्तों आपका क्वाइल जाने में दिक्कत हो तो उसमें घबराए नहीं, ना क्वाइल को ज़्यादा रगड़ें, तार छिल सकता है, थोड़ी सी टर्ने कम कर लीजिए, निकाल लीजिए यानी कि वापस हल्का हल्का निकाल के, या 2-2, 4-4 टर्ने करके डाल लीजिए तो आसानी से क्वाइल चला जाएगा। कई मोटर होती है दोस्तों उनका जो स्लॉट का साइज होता है वो दोस्तों थोड़ा छोटा ही होता है, तो उसमें क्वाइल डालने में कई बार जब हम जैसे 3 राउंड डाल रहे हैं, ऐसे किट वाइंड कर रहे हैं उसमें 3 राउंड डालते हैं तो वो चीज़ टाइट हो जाती है, तो इसलिए हिसाब से डालें हल्के हल्के हाथ से। ये देखिए ये क्वाइल हमारा कंप्लीट हो चुका है। दोस्तों कई बार काम करते हुए कस्टमर के फ़ोन भी आते हैं तो फ़ोन भी रिसीव करने पड़ते हैं, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा दोस्तों क्योंकि सब हर ग्राहक को देखना पड़ता है। ये देखेंगे दोस्तों ये आपको क्लियर समझ में आ रहा होगा, ये देखिए क्वाइल को मैं किस तरीके से थोड़ा थोड़ा स्टेप बाय स्टेप टुकड़ों में बांट के, जैसे आप मैं बता देता हूँ आपको, जैसे इसमें 80 टन्ने हैं तो 80 टन्ने में आप जैसे कि थोड़ा थोड़ा जैसे मतलब 10-10 टन्ने 20-20 टन्ने करके डाल दीजिए तो आपको किसी प्रकार की परेशानी नहीं आने वाली है। नए हैं तो आपको इस तरीके की परेशानी आ सकती है, और अगर कोई भाई पुराने वाइंडर हैं, अच्छे कारीगर हैं, तो उनको तो इस चीज़ की प्रॉब्लम आने ही नहीं वाली है, वो इन सब चीज़ों को आसानी से कर सकते हैं क्योंकि वो उनका डेली का काम है। दोस्तों जब हम काम सीखते थे शुरू शुरू में हम लोगों को भी बहुत परेशानी आती थी इस तरीके की, लेकिन जब हम उस चीज़ को डेली बेस पर करते हैं तो आपको वो चीज़ अच्छी भी लगने लग जाती है और आप उस चीज़ में महारत हासिल कर लेते हैं। ये देखिए हमारा क्वाइल कंप्लीट हो चुका है, जैसा कि मैंने आपको बताया 3 का सेट है और इसमें ऐसे 3 के सेट के
चार कॉइल बनेंगे जब हमारी रनिंग कंप्लीट होगी। और इसमें दोस्तों एक कॉइल के अगर मैं वेट की बात कर लूँ तो एक कॉइल का वेट 200 ग्राम है। इसमें दोस्तों जो भी जानकारी चाहिए आप डिस्क्रिप्शन में जाके चेक कर सकते हैं। और इसी तरीके की कोई भी मोटर आए तो आप उसे वाइंडिंग अच्छी तरीके से कर सकते हैं। ये देख लेंगे दोस्तों कॉइल हमारा कंप्लीट हो चुका है। इसी तरीके से तीन कॉइल हमारे और डालेंगे। ये देख लीजिए दोस्तों हमने कॉइल का जो फर्मा सेट किया था इस प्रकार सेट किया था ताकि हमारी स्टार्टिंग में आराम से डल सके, उसके लिए प्रॉपर जगह मिल सके। देख सकते हैं आप दोस्तों, अगर आपको दोस्तों हमारी कॉइल डालने की तरकीब अच्छी लगती है और फिनिशिंग अच्छी लगती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए, जिससे हमारा दोस्त हौसला बढ़ता है और ऐसा लगता है कि आप लोगों का प्यार और आशीर्वाद हमारे साथ है। ये देख लेंगे दोस्तों पहले सेट में दोस्तों हमने 70 टर्ने, दूसरे सेट में दोस्तों 80 टर्ने और तीसरे कॉइल में भी सेट में भी 80 टर्ने, 23 और 24 का यूज किया कॉपर का। इसी प्रकार से दोस्तों कॉइल बन जाएंगे। ये देख लीजिए कॉइल हमारा कंप्लीट हो चुका है। जैसा कि मैंने आपको बताया था इस तरीके से पहले दोस्तों पहला सेट बांध लेते हैं और सेट को बांधने के बाद अच्छे तरीके से ये देखिए पहले जब से छोटा सेट होता है उसको बांधने की जरूरत नहीं पड़ती है, दो सेट बांध लेंगे और उसके बाद जैसा कि हम डालते हैं कॉइलों को वो आप देख सकते हैं। दोस्तों जब भी आप कॉइल बनाएं हल्के हाथ से बनाएं और ज़्यादा इधर उधर वायर को ना हिलाएं तो आपका कॉइल बढ़िया बनेगा और इलजेगा नहीं। कई बार क्या होता है जब हम वाइंडिंग करते हैं तो जब कॉइल डालते हैं तो हमारा वायर जैसे इस तरीके से स्लॉट में इलज जाता है तो वो यहाँ कॉइल बनाने की कमी होती है। आप हाथ को स्थिर रखें और एक ही स्थिर जगह में रखेंगे तो कॉइल हमारा एकदम बढ़िया तरीके से बन के आएगा और आपको किसी तरीके से कॉइल में परेशानी नहीं होगी। पहले हम दोस्तों अपने कॉइल बना लेंगे अच्छी तरीके से, फिर उसके बाद वाइंडिंग करेंगे। ये देख लेंगे दोस्तों एक कॉइल हमारा कंप्लीट हो गया था, उसके बाद ये तीसरा कॉइल है, तीसरा कॉइल भी दोस्तों कंप्लीट हो चुका है हमारा। दोस्तों ये जो हमारी कॉइल बनाने की मशीन है इसमें दोस्तों इसका मेन फंडा क्या होता है, इसको हम एक राउंड घुमाते हैं तो ये 10 राउंड ऑटोमेटिक घूम जाती है, यानी कि अगर हमने इसे दोस्तों 7 बार घुमाया तो ये 70 टर्ने ऑटोमेटिक डल जाएगी इसके अंदर। जैसे कि अब मैं इसको पहले साइड में 70 डाली है तो इसमें 7 हाथ में 70 ऑटोमेटिक हो जाएंगे। ये देखिए दोस्तों ज़्यादा वीडियो लंबी ना हो इसलिए मैंने दो कॉइल डालने के बाद वीडियो शुरू की है, ये देख पा रहे होंगे आप। ये दोस्तों आखिरी कॉइल है इसका रनिंग का, ये देख लेंगे कॉइल हमारा डल चुका है और कितनी आसानी से डल चुका है। इसमें कोई मैंने स्केल किया किसी चीज़ की, जब दोस्तों ज़रूरत हो जब ही स्केल या फन्नी का यूज़ करें, अदरवाइज आप इसे कॉइल को ऐसे डालेंगे, जितना इस तरीके से डालेंगे आपको उतनी अच्छी प्रैक्टिस होगी और कॉइल आसानी से चला जाएगा। ये देख लीजिए अभी कॉइल दोस्तों मैंने बताया था आपको हल्का सा छोटा पड़ता है तो उसे मैंने टुकड़ों में बांट लिया, यानी कि कम कम टर्ने लेके ये देखिए इस तरीके से आप डालते रहिए। ये देख लेंगे आप ये कॉइल देखिए आप किस तरीके डल रहे हैं और किसी प्रकार की आपको परेशानी नहीं होगी। इसकी पिच मैंने आपको बता दिया दोस्तों, बीच में हमने 3 स्लॉट छोड़ी है, उसके बाद इसकी पिच है दोस्तों 5, 7, 9। ये देखिए दोस्तों हल्का सा अटक गया था तो मैंने स्केल का सहायता ले ली, ये देख लेंगे। बेसिकली क्या होता है दोस्तों तार एक के ऊपर एक चढ़ जाता है और ये डबल है तो उसमें हल्की सी परेशानी आ जाती है, बाकी जब स्केल से हम इसको हल्का सा मूव करते हैं तो तार हमारा सुलझ जाता है और आराम से कॉइल के अंदर स्लॉट के अंदर बैठ जाता है। ये देखिए पेपर जब भी टाइट पड़े आपको मैं बताता हूँ, हल्का सा कॉइल को आगे पीछे मूवमेंट करिए और पेपर हमारा ये देखिए किस तरीके से कर रहा हूँ मैं, इस तरीके से आप पेपर पूरा डाल पाएंगे। ये देख लीजिए पेपर हमारा डल चुका है, ये देखिए ये मैंने इसे अंगूठे से प्रेस कर दिया। इसके बाद हम दोस्तों इसका सेकेंड कॉइल डालेंगे, ये देख लीजिए दोस्तों किनारे से ही कॉइल को हमेशा डालना शुरू करें और चुटकियों की सहायता से बारीक हल्का सा, मतलब उसे कॉइल को मोटा ना थिक ना होने दे, हल्का हल्का मूवमेंट देते हुए कॉइल को आराम से कॉइल आपका डल जाएगा। कभी भी दोस्तों मैं कॉइल डालता हूँ या कोई भी वाइंडिंग करता हूँ मैं दोस्तों ऐसा अपने एंटरटेनमेंट में मतलब एंजॉय करते हुए दोस्तों, सॉरी में बोल नहीं पाया, मतलब किसी प्रकार का लोड नहीं लेता, अपनी मस्ती में मौज मस्ती में भगवान का नाम लेते हुए काम करता रहता हूँ मैं, सब काम आसानी से हो जाते हैं। दोस्तों हमेशा मैं यही कहूँगा दोस्तों आज की डेट में कोरोना काल में दोस्तों हमेशा अपना भी ध्यान रखिए, अपने परिवार का भी ध्यान रखिए, क्योंकि हम वाइंडिंग का काम करते हैं, कई प्रकार की मोटरें आती हैं या कहीं भी हम किसी भी विजिट पर जाते हैं तो हमेशा सैनिटाइज वगैरह का जरूर ध्यान रखिए, क्योंकि दोस्तों परिवार के लिए हम कमाते हैं और परिवार ही हमारा सब कुछ है।
इसलिए आप दोस्तों कोरोना काल में और लॉकडाउन में दोस्तों हर चीज़ का पालन कीजिए, क्योंकि आप लोगों की ज़रूरत दोस्तों मुझे भी है और आपके परिवार को भी है। इसलिए दोस्तों स्वस्थ रहें और मस्त रहें। ये देख लीजिए दोस्तों, ये कॉइल थोड़ा टुकड़ों में बांट बांट के डाल रहा हूँ मैं, ताकि किसी प्रकार की परेशानी ना आए कॉइल डालने में और ना हमारे स्लॉट से ये हिल जाएगा कॉइल। ये देख लीजिए दोस्तों, जब भी दोस्तों हमारा कॉइल हल्का सा टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है तो उसे हम इसे सीधा करने के लिए स्केल की सहायता ली जाती है। ये देख लेंगे आप दोस्तों, कुछ जैसे कि छोटी मोटर होती हैं इस प्रकार की, मोनोब्लॉक या समरसेबल, इन सब चीज़ों को वाइंड करने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है, बट अगर किट या छत के पंखे, सीलिंग फैन, इन सब चीज़ों को वाइंडिंग करने में दोस्तों ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, क्योंकि दोस्तों ये बंद बॉडी होती हैं तो इसमें हल्का सा टाइम लग जाता है। ये देखेंगे दोस्तों कॉइल हमारा डलने वाला है, इसके बाद इसका तीसरा कॉइल डाल देंगे, उसके बाद ये सेट कंप्लीट हो जाएगा और हमारी रनिंग पूरी हो जाएगी। ये देख लीजिए दोस्तों, दोस्तों पेपर देखिए थोड़ा टाइट पड़ रहा है ये, और उसे वो जैसा कि मैंने आपको बताया कॉइल को आगे पीछे करके मूवमेंट करके, ये देखिए इस प्रकार से मैं कॉइल डाल रहा हूँ। ये दोस्तों छोटी छोटी जानकारी होती हैं जो आपके बहुत काम आने वाली है, अगर आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे और अंत तक देखेंगे तो आपको इसमें प्रॉपर जानकारी और अच्छी नॉलेज मिल जाएगी। ये देखिए वाइंडिंग हथौड़ी सामने से दोस्तों इसे मार के कॉइल को अपना सेट कर दिया है, क्योंकि दोस्तों वाइंडिंग के अंदर फिनिशिंग भी जरूरी होती है, क्योंकि ये सब चीज़ें धागा मारते टाइम, कनेक्शन निकालते टाइम, अगर आप इन चीज़ों को हाथों हाथ करते चलेंगे तो आपको एंड में फाइनल टच देने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ये देख लीजिए कॉइल को एक थोड़ा सा लंबा कर लीजिए, आराम से डल जाता है कॉइल उस तरीके से। ये देखिए कॉइल मैंने डाल दिया है, क्योंकि ये बड़ा कॉइल था तो बहुत ही आसानी से डल चुका है। ये देखिए, क्योंकि दोस्तों जब हमारे पास हाथ चलाने की प्रॉपर जगह होगी, कॉइल डालने का प्रॉपर स्पेस होगा, तो हमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली है और कॉइल हमारा बहुत ही आसानी से डल जाएगा। ये देखिए कॉइल हमारा कंप्लीट हो गया है, बस ये लास्ट है हमारा। ये देखिए स्टेप बाय स्टेप आप देखते चलें और आपको ये सब चीज़ें समझ में आ जाएंगी। और ये दोस्तों इस वीडियो का, इस मोटर का पार्ट वन है, आगे चल के इसके मैं और पार्ट बनाऊंगा जिसके अंदर हम स्टार्टिंग डालेंगे, इसके कनेक्शन वगैरह, इस मोटर को चला के दिखाऊंगा आपको। तो आप इस वीडियो का हर पार्ट देखिए जिससे आपको प्रॉपर नॉलेज मिल सके। ये देख लेंगे दोस्तों ये किस तरीके से मैंने स्केल से कॉइल को, ये देखिए स्लॉट में बिल्कुल आसानी से ये बैठ चुका है कॉइल। उसके बाद दोस्तों पेपर डाल देंगे, पेपर को पहले डालने से पहले हल्का सा दोस्तों से उसकी चोंच बना लीजिए, ताकि वो आसानी से कहीं वैसे दिक्कत ना हो डालने में। ये देखिए ये पेपर हमारा डल चुका है। उसके बाद दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया था कॉइल को अपने सेट कर लीजिए। ये देखिए, क्योंकि ये सब चीज़ आप पहले सेट कर लेंगे तो आपको किसी प्रकार की इसमें दिक्कत नहीं आने वाली है। और इसी तरीके की स्टार्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और इसकी अगली वीडियो में स्टार्टिंग वगैरह सब कुछ आप देख लेंगे। इसको मैं दिखाता हूँ आपको, ये देख सकते हैं आप चार कॉइल डले हैं इसमें। ये देखिए